तो गाइज ये है हमारे संडे का ब्रेकफास्ट, हमारी होममेड पाव भाजी। आगे वीडियो आप देखिए, आपको इसकी रेसिपी मिलेगी। पूरी वीडियो देखना, मस्त रेसिपी है। संडे को अपने घर पे बनाना और मज़ा ही आ जाएगा। और कलर आप चेकआउट कर सकते हैं, भाजी का एक नंबर आया भाई, एक नंबर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन है संडे, और संडे को हमें काम मिला है अपने किचन वाले गीजर को चेक करने का, क्योंकि भाई ठंडी बहुत हो गई है और पानी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड पानी आ रहा है। और बर्तन धोने में मोहतरमा को हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी, काफ़ी देर हो गई है इसे चलते हुए। बंद करके देख ही लेते हैं भाई, देखते गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे तो लग नहीं रहा है गर्म पानी है, ठंडा ही आ रहा है। वही हो गया, हो गया गरम गरम गरम, वही गरम गरम गरम। ये देखो भाप दिख रही है आपको, ये देखो। सिम्बा हमसे मिलने, सिम्बी जल्दी उठ गया था तू, तेरा कौन है? पूरा दूध क्यों नहीं पिया तूने? है भाई दूध पूरा क्यों नहीं पिया आज? भाई साहब देखो धूप तो निकल रही है, सूरज चाचू तो आ गए हैं, पर भाई हवा बहुत तेज चल रही है। और ये हमारा जादू आ गया छत पे। गुड मॉर्निंग जादू। उससे ठंड लग रही है, मतलब धूप भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, सर्द गर्म ना हो जाए भाई साहब, भगवान जी देख लेना। अगले बॉल लाए हो? हाँ। सिम्बा तो इसको फिर काट देगा आपकी बॉल को। इससे सिम्बा खेलता है? ओके आप ही ने तो दिए इसको सिम्बा को खेलने के लिए बॉल। अच्छा ये लो, अच्छा एक बार देखो, मेरे पास है बॉल, सिम्बा के पास नहीं है। भाई ये गजब चीज है, खुद ही बॉल लेकर आए इसको देने के लिए, और अब रोने लग जाओ। काबू संडे बना रही है, टाइम पता क्या हो रहा है? चल उठ जा, 5 बज रहे सुबह के, 5 नहीं शाम के, 5 बज रहे। उठ जा, मैं वो लेने जा रहा हूँ पाव भाजी का सामान, आज पाव भाजी बनेगी, जल्दी उठ जा। 2 मिनट में जल्दी उठ। इस सीन ऐसा है, अभी हम सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं क्या बनाएं, मतलब आलू के पराठे बनाएं क्या बनाएं। तो फिर फाइनली प्लान बना कि चलो आज पाव भाजी बनाते हैं, और काफ़ी दिन हो गए पाव भाजी खाए हुए, और वाइफ बनाती बहुत अच्छा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पाव भाजी का सामान लेने के लिए, और चलो फिर चलते हैं। और ये हेलमेट देखो अभी भी ऐसा ही है, सिम्बा ने तोड़ा था ये अभी भी ऐसा है। इसमें मेरे ग्लव्स हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है, ग्लव्स भी लेके चलते हैं। इसको किसी तरह जुगाड़ करके अंदर सेट कर दिया ग्लव्स को, और तो चलते हैं अभी मार्केट, थोड़ी शॉपिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि पाव भाजी कैसे बनती है। चलें रेडी, फिर मिलते हैं आगे। चलो गाइस एक काम तो अच्छा हुआ, सब्जी वाला भैया यहीं आ गया और मेरे को सब्जी मार्केट नहीं जाना पड़ेगा सब्जियां लेने के लिए, अपना यहीं काम बन गया। बाकी पाव और बटर लेने के लिए अभी चलते हैं। तो भैया सब्जी तो अपनी यहाँ पर मिल गई, अब बस एक काम है, अपने पाव वगैरह ले आते, बटर ले आते हैं, ये रखते हैं यहाँ पे, बच्चे ले जाएंगे ऊपर और हम निकलते हैं। ये है कुछ हमारे यहाँ की सब्जी मंडी, और कुछ बेकरी शॉप्स भी हैं, तो मैंने अपना सामान ले लिया है। ज़्यादातर शॉप्स हमारी यहीं पर ही हैं, तो चलो चलते हैं अपनी बाइक के पास, वो मैंने उधर खड़ी करी हुई है, खड़ी करी थी अपनी छुपा के। तो गैस आ गया था मैं घर पे सामान वगैरह लेके। भाजी के लिए जो हमने लिए है ना, तो ये वाले वेजिटेबल्स लिए हैं, ये मटर है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियंस है, कैबेज है, और अपनी शिमला मिर्च है, और टमाटोज हैं, ये बीन्स हैं, बीन्स ऑप्शनल हैं आप लेना चाहो ले सकते हो, और ये 2 आलू हैं, और बाकी ये है नींबू वगैरह, और ये गाजर, और ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब इसमें से ना कुछ चीज़ें होंगी बॉयल और कुछ चीज़ें होंगी क्या बोलते हैं चारू उसको, चॉप। तो कुछ चीज़ें चॉप होंगी, कौन कौन सी होंगी? ऑनियन है, बीन्स है, और कैबेज है, कॉलीफ्लावर, इसको चॉप करके डालेंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को चॉप करके डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मैश हो जाएंगी, और बाकी चीज़ों को बॉयल करेंगे। तो अब बस बॉयल करने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या है, और मसाले बता देंगे आपको क्या क्या डाले हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं। और सबका बनाने का तरीका अपना अपना खुद का होता है, और भाजी कुछ ऐसी चीज़ है कि सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। जो हमारे घर बनती है भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने बाहर की भी खा रखी है, पर मैं प्रेफर करता हूँ घर वाली क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा टेस्टी लगती है। पाव हमने ये वाले लिए हैं हार्वेस्ट गोल्ड के, और काफ़ी सही पाव हैं, मतलब ये यूज़ करते हैं हम लोग। और भाई लेते टाइम ना ये ज़रूर देख लेना कि इसका बेस्ट यूज़ क्या है, बेस्ट बिफोर क्या है। सो गाइस बॉयल होने के लिए हमने सब्जी चढ़ा दी है, कुकर के अंदर डाल दिए हैं। सिम्बा भी मटर खा रहा है भाई, पाव भाजी खाएगा सिम्बा?
तो गाइस चॉप करने के लिए हमने ये सारी अपनी वेजिटेबल्स ले ली हैं। इसमें जो हमने ऐड करा है ना, वो जिंजर और गार्लिक ऐड करा है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो हमने ये मिक्सर ले लिया है, ये चॉपर इसमें लगा दिया है हमने, तो इस चॉपर में अभी ये वेजिटेबल्स डालकर चॉप कर लेंगे। तो अपने वेजिटेबल्स को डाल देते हैं भाई जल्दी जल्दी इसमें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो वाइफ ही करती है, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं हाथ लगाता हूँ ना खाना भाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। वाह वाह, ये सही चीज़ है। मेहनत करे कोई और मजे ले कोई है। सब डाल दिए, इसको कर देते हैं लॉक। लॉक करके ऑन। सो गाइस दोनों सामग्री अपनी आ गई हैं, बॉइल्ड वाली भी और चॉप वाली भी, और माशाल्लाह क्या चॉप हुआ है भाई जान ने, एक नंबर चॉप करा है। और बॉइल्ड तो चलो ऐसे ही ऐसे हुआ है, और अब इनको ना कंबाइन करते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो गाइस आज हमारे घर आए हैं हमारे मेहमान, और मैं बता दूं कौन आए हैं, ये दोनों मेरी मम्मी की मम्मी हैं, तो ये दोनों सिस्टर्स हैं, और ये मेरी नानी हैं दोनों, और ये है मेरे मामा जॉन, मामा जॉन मामा फ्रॉम भादुरगढ़, और ये है अजय मामा। तो जॉन मामा और मेरी एज लगभग सेम है, और ये मेरे से छोटे हैं ना एज में, और बाकी ये मम्मी हैं, और इनकी टी पार्टी चल रही है। तो इस कढ़ाई अपनी रख दी है, उसमें ऑयल डाल रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल है नॉर्मल, अपनी सिम पे है, और सारी सामग्री अपनी रख ली है साथ में। तो अब देखते हैं कि अब क्या कैसे कैसे क्या क्या डालेंगे। तो ये पहले चॉप्ड वाला डालोगे? हाँ, थोड़ा सा ऑयल हो जाए गरम, हल्का सही, ज़्यादा नहीं। तो पहले थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये चॉप्ड वाला डालेंगे। लो, स्वाद बढ़ाने के लिए पहले चॉप्ड वाला डाला है, स्वाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाईजान ने ना बहुत अच्छा चॉप करा है, एक नंबर का। तो इसे पकाना है हमें। कितनी देर पकेगा ये? लगभग 10 मिनट तो पकेगा। चलो गाइस इसको ढक के पकाना है, और नीचे आप देख लो बिल्कुल सेम है। ओके, तो अब ये है कुछ इसकी स्थिति, ये हाफ कुक हो चुकी है, हाफ कुक हो चुकी है ये, इसका जितना भी मॉइस्चर था वो सूख गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम क्या, ये जो पोटैटो गए, कैरेट गई, और ये नहीं, ये हमारी वो है मटर। अच्छा, इन हिंदी मटर, इन इंग्लिश पीस? नहीं, हम हिंदी वाले हैं। अभी इसको थोड़ा सा वाइंड होने के लिए छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। ठीक है भाई। तो भाई ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे हम अपने टोमेटोस। तो अब सब्जियां ना ये मैच करने लायक हो गई हैं। अच्छा, तो क्योंकि इसमें मसाला हाँ, डाल के हम पकाएंगे। तो ये टमाटो, ये भी बॉईल ही कर लिए, ये भी बॉईल टमाटोज हैं। अब इसमें सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग, स्वाद अनुसार नमक शमक, और ये क्या है? ये है MDH पाव भाजी मसाला है, MDH का पाव भाजी मसाला है। पहले तो मैं घर में बनाती थी वैसे पाव भाजी मसाला, पर अभी लास्ट टाइम जब बनाई थी ना तो ये यूज किया था, तो इससे काफी अच्छा। एक चम्मच लगभग वैसे ही आता है जैसे घर में मसाला बना। दो चम्मच, तो 2.5 टेबल स्पून्स हमने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। और पाव भाजी मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं, इजी होता है, मतलब कुछ खड़े मसाले होते हैं उनको एक साथ पीसना होता है, वो पाव भाजी मसाला हो जाता है। हाँ, इतना अभी पानी डाला है मैंने, एक कटोरी के करीब पानी डाला है। अब इसको फिर से छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। अच्छे से मिला लिया है, और अब इसको फिर थोड़ी देर एक साथ बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो मसालों की जो खुशबू आ रही है ना, और देख लो एक ही मसाला डाला है, इसको थोड़ा सिम कर देता हूँ भाई, कहीं जल जुल ना जाए वीडियो बनाने के चक्कर में, बट मसालों का बड़ा सही फ्लेवर आ रहा है। बाकी अब मेरा हाथ लग गया ना तो अच्छी तो बनने वाली ही है, क्या बोलती पब्लिक। तो अभी ये है कि चारू ने एक टेक्निक बताई है कि जैसे बाहर पे तो उनका बड़ा तवा होता है, उस पर वो अच्छे से कर लेते हैं, मतलब चलता रहता पूरे दिन। तो इसने बताया कि इसने जो आजी वेजिटेबल्स थी वो इस जार में निकाल ली है, और इसको कर देगी ग्राइंड, वो इसको थोड़ा सा ठंडा करके ना, थोड़ा ठंडा करके मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी, इसको ग्राइंड कर देगी, वैसे ही कंसिस्टेंसी आ जाती है।
जैसे बाहर वाली में आती है ना, हाँ। अभी इसको छोड़ दूंगी। अब ये ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, ग्राइंड करके कुछ ऐसा पेस्ट बन गया है, और आधा हमारे पास नॉर्मल जो खड़ा वाला था वो था। अब इन दोनों को मिला के ना फिर इसको अच्छे से मैश कर देंगे साथ में, तो इनका टेक्सचर ना एक दूसरे में मिल जाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा जैसे बाहर मार्केट में आता है। ये ऐसे आया था इसका टेक्सचर, हाँ। ठीक है, अब ये इसमें डाल दूंगी। अब ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये ट्रिक है, और ये ट्रिक प्रॉपरली मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करनी है, ये ऑप्शनल ट्रिक है। टेस्ट तो वही आना है, टेस्ट तो अच्छा ही आना है। वही है ना, अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं सब लोग, अपनी अपनी ट्रिक्स यूज करते हैं अपने अपने लिए। तो हमने आपको ट्रिक भी बता दी भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कब करोगे? तो ये रहा हमारा पाव भाजी अभी जो हमें मिक्स करा है उसके बाद, और चारों में तो यार कलर ही नहीं आया जैसे हर रोज आता है। हमारी ऑडियंस को क्या तुमने बेवकूफ बना दिया, कुछ ऐसे चीज नहीं बताई है सीक्रेट वाली? नहीं अभी बताते हैं, अभी इसके बाद देखते हैं कलर आता है कैसा वाला। चलो ठीक है, इसे ढको, उसके बाद दिखाओ क्या कलर आता है। फिर आपको एक मैजिक दिखाती हूँ कैसे कलर आएगा, कलर कैसे आएगा इसका मैजिक पता लगेगा आपको। तो भाई ये देख लो, ये है वो मैजिक। और ये क्या है? ये है देगी मिर्च। तो ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है, मोस्टली ये कलर के लिए यूज की जाती है। तो भाई ये देगी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च भी बोला जाता है इसको। और ये सिर्फ कलर के लिए यूज करा जाता है, तो हमने यही यूज करा है। और ये सब यूज करते हैं बाहर, आप वेंडर से भी खाते हैं वो भी यूज करते हैं, कलर के लिए ही बेसिकली इसे यूज करा जाता है। क्योंकि ये ज्यादा तीखी होती नहीं है, मिर्च का नाम है बस। तो अब इसको जब ये डाल दिया, अब इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, और जब ये पकेगी अपना फिर अपना कलर छोड़ेगी, ये कलर दे देगी। तो गाइज ये देखो ट्रिक विद मैजिक ट्रिक, मैजिक ट्रिक, पहले कलर कैसा था और अब कलर कैसा हो गया। अब इसमें ये देखो लेमन, अब इसमें जाएगा लेमन, हाफ लेमन है, हाफ लेमन डाला, और पाव भाजी का स्पेशल बटर। स्पेशल बटर ऐसा कुछ नहीं है, अमूल बटर है। स्पेशल ये स्पेशल पाव भाजी में गया है ये, अब ये स्पेशल हो गया है हमारी होममेड पाव भाजी भाई। खुशबू तो बहुत ही सही आ रही है, और ऐसी भूख लग रही है ना भाई, बस ये है कि अब वीडियो बस बनने वाली है नहीं, बस चाहिए खाने के लिए। और ये डाला इसमें धनिया, एक ही मिनट का काम लगा लो अभी, बस ऑलमोस्ट रेडी है, एक मिनट का काम है। बस पाव लेने हैं, पैन लेना है, मक्खन डालना है, सेकना है, और बस फिर खा लेना है। तो बच्चों आपके आ गई है पाव भाजी, अब टेस्ट करके बताओ कैसी है सबको। वेरी टेस्टी। आप बताओ। वेरी टेस्टी। किट्टू टेस्टी है। अगले संडे आप सबको इसको अपने घर पे बनाना और पूरी फैमिली के साथ खाना, और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को कर दो भाई। और काफ़ी मतलब बच्चे तो बता रहे हैं, अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ कि कैसी है। और नेक्स्ट संडे जैसे बच्चों ने बोला है कि भाई अपने घर पे बनाओ और खाओ पूरी फैमिली के साथ, और कमेंट में हमें बताओ कि रेसिपी कैसी लगी। आज का व्लॉग था संडे व्लॉग, तो मैंने सोचा कि एक रेसिपी व्लॉग बना देता हूँ। तो भाई बस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अब मैं कोशिश करूँगा हर संडे टू संडे शायद मैं आपको एक रेसिपी व्लॉग दूँ। सो स्टे कनेक्टेड।